एवरीवन, आज हम गेहूं के आटे से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूं। 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो, सुबह शाम कोई भी टाइम बना सकते हो, बच्चे को टिफिन में दे सकते हो, रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो भी बना सकते हो। इस नाश्ता को खाने के बाद बाजार की समोसा कचौरी भूल जाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है, देखिए अंदर की स्टफिंग। चलिए मज़ेदार नाश्ता को कैसे बनाना है देखते। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे, एक कप से आधा हम सूजी मिलाएंगे। सूजी मिलाने से नाश्ता हमारी खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। एक चम्मच घी डालेंगे, घी के जगह ऑयल भी ले सकते हो। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच सफ़ेद तिल, इसे अजवाइन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगा लेंगे, तो एक साथ नहीं मिलाना, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे। डो को लगा लिया है, थोड़ा सा सॉफ्टी लगाना है। अब इसको कवर करके साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी करते हैं। थोड़ा बाउल ले लिया है, एक कप पोहा ले लेंगे। पोहा को हम दो तीन बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। पोहा को धो लिया है, पानी निकाल के ले लिया है, पूरा पानी नहीं फेंका, थोड़ा सा पानी रख दिया है। इस तरह से हम इसको साइड में रख देंगे एक मिनट के लिए। एक कप सेब नमकीन ले लिया है, मिक्सर जार के अंदर डालेंगे। अब इसको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। पीस लिया है, इसी तरह से महीन पीस के लेना है। अब इसको साइड में रख के हम गैस पे चलते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गई है, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, आधी चम्मच सौंफ डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। दोनों चीज़ों को चटकाएंगे। एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, प्याज को एक मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को भून लिया है, दो लहसुन की कलियाँ बारीक से काट लिया है वो डालेंगे, उस सेकेंड के लिए भून लेंगे। लिया है थोड़ी सी अदरक, दो हरी मिर्च ले लिया है वो डालेंगे। अदरक को कद्दूकस करके ले लिया है, कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इधर हम पोहा को चेक करेंगे, एक मिनट बाद पोहा हमारी सॉफ्ट हो गई है। इस तरह से मसल के ले लेंगे, इसी तरह से मसल के लेना है। भून लिया है, अब गैस का फ्लेम लो करके हम मसाले मिलाएंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई धनिया, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए थोड़ी सी डाली हूँ। अब सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, अब पोहा को डालेंगे, पोहा के साथ हम नमकीन को भी डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इस तरह से स्टफिंग बना के एक बार कचौरी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएँगे। अब मेहमान को भी खिलाइए, वो आपकी तारीफ़ करेंगे। आलू की कचौरी तो बहुत खाए, एक बार इस कचौरी को खा के देखिए, मज़ा आ जाएगा। मिक्स कर लिया है, थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे, मिक्स करेंगे। गरम मसाला डाल के एक मिनट भून लेंगे। लिया है, स्टफिंग हमारी रेडी है। अब गैस को ऑफ करके ठंडा करके ले लेंगे, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। अब हम डो को चेक करेंगे, इधर डो भी हमारी सेट हो गई है। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा मसल के चिकना करके ले लेंगे। चिकना करके ले लिया है, छोटे छोटे लोई निकाल लेंगे पूरी के आकार जितना। एक लोई ले लेंगे, गोला करेंगे, जिस तरह से हम आलू के लिए स्टफिंग भरते हैं उसी तरह से हम भरेंगे। इस तरह से होल्ड करेंगे, लेयर को हम पतला बनाएंगे, तभी कचौरी हमारी खस्ता बनेंगे। इसी तरह से बना के लेना है। इधर स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है, एक चम्मच स्टफिंग हम बीच में रख लेंगे। फिर इसको बंद करेंगे, अच्छी तरह से बंद करेंगे ताकि स्टफिंग हमारी निकले ना, इस तरह से। फिर धीरे धीरे प्रेस करके इसको फैला लेंगे। इस तरह से हमें इसको बेलना नहीं, इसी तरह से चपटा करके बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। सभी को बना के रेडी कर लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है, ऑयल को मीडियम गर्म करना है। अब हम एक एक करके डालेंगे। देखिए इसी तरह से हमें ऑयल गर्म चाहिए, डाल दिया है, इस तरह से हिला देंगे, एक साइड सिकने देंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके। अब हम पलट लेंगे, देखिए नाश्ता हमारी कैसे फूल गई है, कलर चेंज हो गई है। पलट लिया है, अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे, इधर भी कलर चेंज हो गई है। पलट लिया है, अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही सेकेंगे, तभी नाश्ता हमारी क्रिस्पी बनेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 10 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएंगे। अचानक मेहमान आने पर बना सकते हो। अब रक्षाबंधन का टाइम आ रही है, इस तरह से कचौरी बनाइए तो बाजार की समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे और सब मांग मांग कर खाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। गेहूं के आटे से बनाए, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बनाना भी आसान है। नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी बढ़िया आ गई है, अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए, कितनी बढ़िया बनी है।
देखिए कितनी क्रिस्पी बना है, तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए वाह, अंदर की स्टफिंग कितनी बढ़िया लग रही है। सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आपके नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।